उत्सव का स्मरण करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान सबो भल करो। और ये जो श्लोक नारायणम नमस्कृत्यम नरम च नारायणम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरे, एक अर्थ च उन परमात्मा का हम स्मरण करवे, भगवान सूर्य स्मरण करवे, भगवान सूर्य गानी मुनयः साधु प्रष्टोऽहम् भवदभिर्लोक मंगलम्। पनि हेरिष्यो तुम जो पनि प्रश्न करियो वो अपन आप में बहुत मंगलकारी छ, आप अपन लग मंगलकारी छ और दूसरन लग मंगलकारी छ। हेरिष्यो तुम बहुत सुंदर आनंददायक लोक कल्याण प्रश्न करियो, आप वो प्रश्न का उत्तर तुम ध्यान पूर्वक सुना पाओ। जीव मात्र का यह परम धर्म से किसी का जीव मात्र का यह परम धर्म जैल जन्म ले रहा है को यह धर्म परम से को वी धर्म के बारे में सुना क्यों कि परम धर्म से सवे पुंसाम परो धर्मो अचानक सब लोग भूल गई भगवानों का नाम नहीं ले बिल्कुल रत्ता उठी नान न ध्वन न संधि न पूज क्या न और सिद्ध चाह भी नहीं। जो हमारे धर्म खिलाफ छ, जो हमारे संस्कृति खिलाफ छ, जो हमारे धन दिनचर्या खिलाफ छ, सब हम उठ बे बिस्तर में उठ बे पहली द्वे हाथों पर देख बे कराग्रे वसुते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। पहली सब है पहली भगवान ध्यान करवे, ये हाथ में चार तीर्थ हैं, उन चार तीर्थों ध्यान करण पे पहली। और जब अपन सर्व पहली दान फुट जुस पृथ्वी में रहन पे धरा में बोले दान फुट कौन है ये अमर चराचर जीवन दिनचर्या लीजिए सब नियम बना रखी शास्त्र में, पर आज शास्त्र हिसाब कोई न चलना रहे तब यो महामारी इत्यादि रोग व्याधि पीड़ा यो लॉकडाउन इत्यादि सब वी का परिणाम से जो मनुष्य सब भूल गो अपन कर्मों का भूल गो मनुष्य। तो परमात्मा ले अपन रूप देखा प्रकृति के लिए प्रकृति ही परमात्मा से अग्नि वायु जल तेज वायु आकाश इन सब परमात्मा अपन नारायण भगवान का रूप से है। तो इनर जो हिसाब चलल जो इनर ध्यानल चलल जो इनका नमस्कार कर वीर चलल की चराचर जगत जो प्राणी छो वे कल्याण हो जाओ, चाहे वो चराचर जगत में मनुष्य हो या पशु हो चाहे पक्षी हो। पक्षी में और मनुष्य में अगर क्यों भेद रह गए, अगर मनुष्य ले अगर पशु पक्षियों तरह व्यवहार गुरु तरह वैसा तरह व्यवहार करल फिर मनुष्य वे योनि में अनक के फैल गए। 84 लाख जो योनि छे में जो जो मनुष्य सब है पहली वे है पहली जो स्थान लियो वो गुरु के स्थान लियो गौ माता के स्थान लियो। मनुष्य योनि में पहली आना है पहली योनि जो छो गुरु की योनि छो गुरु की योनि बाद मनुष्य मनुष्य योनि में। और जब मनुष्य शरीर शांत आ जा विवार सिद्ध का जा फिर गुरु की योनि में जा। गुरु की योनि की भी आवश्यकता है, जो अगर पुण्य कर्म हुआ तो वो गुरु माध्यम ही करो, अर्थात कौन का अर्थ है पहली ले गुरु माध्यम इस संसार में फिर बाद में ले जब अंतिम यात्रा हुई तो सब वह पहली भी अगर फल गुरु बोल अगर वीक अगर पुण्य कर्म सत्कर्म बल तो गुरु माध्यम वैतरणी पार हुए स्वर्ग में जल। अगर वीक कर्म भ्रष्ट बल और वीक दुष्ट प्रकृति बल कई प्रकार की यातना आली जो तुम गरुण पुराण में सुनी रहा होने गरुण पुराण व्याख्यान ये कथ में करना विधान नजे तो वो देख मात्र भाव और प्रसंग वह सब ये कथ में कौन विधान छ।
और भगवान के चरणों में प्रेम करना सब महत्व छो, परंतु वो भगवान कस प्रेम जा, वो भगवान सब प्रकार पशु पक्षियों में तुम्हारी जो मन होल अगर सब लोग कल्याण भावना हो तो परम ईश्वर तब प्रसन्न होल। और भक्ति कसिन भरी, भक्ति के नाम किस, भक्ति भगवान का स्वरूप है, भक्ति कोई और न छो, भव माने भक्ति, भव माने भगवान। तो अहेतु की अप्रतिहिता यो भक्ति द्विविशेषण से बनी, ये भक्ति का द्विविशेषण से द्वि स्थान से, भक्ति में कोई कामना न हो जाए। अगर कोई भक्ति पूजा पाठ कैल यज्ञ दान पूजा इत्यादि करो या यो श्रीमद् भागवत कथाई करो, बिल निष्काम भावना परमात्मा में मानवे परमात्मा का प्रसन्न कर बेर माने यो काम करन चाहें। और आपत्ति विपत्ति में स्वाभाविक प्रेम हो जा, और आपत्ति विपत्ति में स्वभाव चाहे वो घर में हो या परदेश में हो, इस प्रकार जो को परदेश में छो विघले स्वाभाविक चिंतन हो में भगवान प्रति स्वाभाविक प्राप्ति हो जाए। अहे तो क्या प्रतिहिता यात्मा संप्रसेदती, और को शुद्धि और विशुद्धि भक्ति भगवान चरणों बिंदु में लग जाओ। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञान च यदु है तो कम, भक्ति का बेटा ज्ञान है, भक्ति का जो बेटा से हो पुत्र से हो भक्ति चलो पूछो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति द्वि भाव से ज्ञान और वैराग्य, बिना वीर यह संसार अधूर छो। तो अगर तुम्हारा कल्याण लोक कल्याण की भावना से तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुत्र बन बे रहा है संसार में को, यह तुम मैं तुम में भगवान का प्रार्थना नारायणम नमस्कृत्यम, जो नारायण भगवान से भी फड़ व्याख्यान बता सूक्ष्म रूप में, और विश्वास कि ये भगवान जो बनाया नियम से शास्त्रों में जो नियम बता रखी कि साल में तुम चल ला। श्रीमन नारायण नारायण।